भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर और बीजेपी नेता रवि किशन पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में बने हैं। शिनोवा नाम की लड़की ने एक ऐसा दावा किया कि जिसके बाद रवि किशन की लाइफ में भूचाल आ गया है। उसने रवि किशन की बेटी होने का दावा किया है। इसके साथ ही डीएनए टेस्ट की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि शिनोवा की मां अपर्णा ठाकुर ने भी इस दावे को सही कहा है और उन्होंने दावा किया है कि रवि किशन और उनकी एक बेटी है जिसका नाम शिनोवा है। उधर रवि किशन की बीवी प्रीति शुक्ला ने इस दावे के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है। प्रीति की माने तो रवि किशन पर लगे सभी ये आरोप झूठे और बेबुनियाद है। इन दावों के बीच अब उन सितारों की भी चर्चा होने लगी है जिनका नाम कभी इस तरह के विवाद से फंस चुका है। इस लिस्ट में जाने माने एक्टर आमिर खान भी शामिल है। आमिर खान पर आरोप लगे हैं कि उनका एक और बेटा है। इसके पीछे कितना सच है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। साथ ही पंडित रविशंकर का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं आमिर खान के बारे में। रिपोर्ट्स बताते हैं कि एक ब्रिटिश रिपोर्टर जेसिका हाइंस ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट पर यानी आमिर खान पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि आमिर संग रिश्ते में वो रह चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों के बीच तब अफेयर हुआ था जब आमिर गुलाम मूवी की शूटिंग कर रहे थे। उस समय तक आमिर की एक ही शादी हुई थी और उनकी वाइफ का नाम रीना दत्ता था। जेसिका ने खुलासा किया था कि आमिर उनके बेटे जॉन के पिता हैं। हालांकि आमिर खान ने इन अफवाहों का खंडन किया था। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सितार वादक पंडित रविशंकर के बारे में। इनके हुनर को दुनिया भर में सराहा गया लेकिन उनका नाम विवादों में तब उछला जब न्यूयॉर्क बेस्ड कॉन्सर्ट प्रोड्यूसर सू जोन्स के साथ अफेयर की खबरें उड़ी। कहते हैं कि दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम नोरा जोन्स है। नोरा बचपन से ही इस रिश्ते से दूर रही लेकिन 18 साल की उम्र में दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब रविशंकर की सौतेली बेटी अनुष्का के साथ उनके रिश्ते अच्छे बताए जाते हैं। अगले नंबर पर एक्टर राज बब्बर के बारे में जिक्र है। राज बब्बर और स्मिता पाटिल की लव स्टोरी से हर कोई वाकिफ है। दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रह चुका है। राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे लेकिन फिर भी उनका दिल स्मिता पर आ गया था। इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम प्रतीक बब्बर बताया जाता है। वो भी अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चले और एक्टर बने लेकिन उतनी शोहरत मिल नहीं सकी। रिपोर्ट्स बताते हैं कि स्मिता के लिए राज ने अपनी बीवी को छोड़ दिया था। ये भी कहा जाता है कि राज कभी भी प्रतीक को अपना नाम नहीं देना चाहते थे लेकिन बाद में राजी हो गए थे। प्रतीक को जन्म देने के कुछ दिनों बाद स्मिता चल बसी थी। इसके बाद बात करते हैं टॉलीवुड के फेमस स्टार्स सारिका और कमल हसन के रिश्ते के बारे में। कमल शादीशुदा थे। उनकी पहली बीवी क्लासिकल डांसर वाणी गणपति थी। शादीशुदा होने के बावजूद उनके रिलेशन एक्टर सारिका के साथ रहे थे जिसके बाद इन दोनों की बेटी हुई जिसका नाम श्रुति हसन है। बाद में कमल हसन वाणी से अलग हो गए और सारिका से शादी कर लिए थे। हालांकि कई साल बाद कमल और सारिका का रिश्ता भी टूट गया। इस कपल की एक और बेटी है अक्षरा। दोनों बेटी ही इंडस्ट्री में ही काम करती हैं। अगले नंबर पर जिसकी स्टोरी है वो फिल्म इंडस्ट्री से तो नहीं जुड़े हैं लेकिन क्रिकेट जगत का जाना माना नाम है। वेस्ट इंडीज के महानतम खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स एक्ट्रेस नीना गुप्ता के साथ रिलेशनशिप में थे। इन दोनों की शादी नहीं हुई थी लेकिन नीना बेटी को पैदा करने का फैसला की थी। हालांकि इन दोनों की बेटी का नाम मसाबा है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।